अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इनकी पोती खूनी है, खूनी है, खूनी, लोगों को मारती है, न जाने कैसी परवरिश दी है इन्होंने। मारो इन्हें सब, मारो 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 इन्हें, अभी मारो। खूनी है इनकी पोती, खूनी है, खूनी, लोगों को मारती है। अगर दादू और जूही को पता चल गया कि मैं जेल में हूं तो क्या होगा? भयानक सपना देखा। भयानक सपना? क्या देखा तुमने? दानी बहुत बहुत डरावना सपना था। मैंने देखा कि मम्मी बहुत दुखी है, उनके आंसू निकल रहे हैं। वो कुछ तो मुझसे कहना चाहती थी लेकिन दानी मैं उन्हें सुन ही नहीं पा रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी। कमाल है, वहां जूही के दादाजी भी रुचिता का ही जिक्र कर रहे थे, यहाँ जूही को भी सपने में रुचिता दिखी। ये रुचिता इन सबको सपने में क्यों डरा रही है? हे खाटू जी, मेरी पोती और मेरे पति की रक्षा करना। जूही, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूर तूने कोई ऐसी डरावनी फिल्म देख ली होगी तभी ऐसा हुआ है। हा? एक काम कर, तू अच्छा अच्छा सोच और सोचा, कुछ नहीं होगा। सोचा? आराम से सोचा, आराम से सोचा, बस। अब दीदी, दीदी संभालिए खुद को। क्या हुआ? आपको बुखार तो नहीं है? पर शायद खड़े खड़े चक्कर आ गया होगा। आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, आराम कीजिए। नहीं बेटा, मैंने कुछ दिन पहले ही छुट्टी ली थी, दोबारा छुट्टी नहीं ले सकती। अब दीदी, वहां मेरा पर्स है, आप जाइए, उसमें ग्लूकोज है, आप उसे पानी में घोलकर पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उठिए, आइए। आप अभी बैठ जाइए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। खुद मुसीबत में होके भी आप मेरी मदद कर रही हो, सच में आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू बेटा। ये दुनिया इंसानियत की नींव पर चल रही है, जब तक इंसानियत है तब तक ये दुनिया है। जिस दिन इंसानियत खत्म उस दिन ये दुनिया खत्म। आपको क्या लगता है आपके पति आएंगे आपको छुड़वाने? वो जरूर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। रूही मुझ पर भरोसा रख, मैं सब ठीक कर दूंगा।
नाहर तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो? अग्नि बस थोड़ा सा हेल्दी नाश्ता बना रहा था। नाहर तुम्हें सुबह सुबह मेरे लिए हेल्दी नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? सोनिया आंटी बनाती थी ना, तुम फालतू में मेरे लिए परेशान हो रहे हो। सॉरी अग्नि, वो एक्चुअली मैं रूही के लिए बना रहा था, तुम्हारे लिए नहीं। वो पुलिस स्टेशन में मुझे टिफिन भिजवाना है ना, इसलिए। अब अग्नि तुम्हें भूख लगी है क्या? छोटी माँ ने वहां नाश्ता रखा है, तुम खा लो। ठीक है, मैं खा लूंगी। क्यों हुआ सनी साहब, बुलाया आपने? हाँ जी, वो रूही के लिए पुलिस स्टेशन में टिफिन भिजवाना था। हाँ प्लीज थोड़ा। ठीक है, मैं बस पैक कर ही रहा हूँ। मुझे भूख नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खाऊंगी, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गई तो नाहर जी बहुत परेशान हो जाएंगे। इसमें तो पानी नहीं है। इसने किसी का हक नहीं छीना है, ये मेरी जीवन साथी। इस अग्नि को साक्षी मानकर अब मैं अनमोल के साथ फेरे लूंगा। अरे क्या हो, रोको। दूर रहना वरना इसी अग्नि में स्वाहा कर दूंगा तुम्हें। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें यहाँ 56 भोग खिलाऊंगा? कल तुम्हारे पति ने जो बेइज्जती की है उसका हिसाब तुम खुद चुकाओगे। सर इनके घर से खाना आया। कोई खाना वाना नहीं मिलेगा इसे। फेंको ये खाना। खड़ी क्या हो, इसे बाहर फेंक क्या हो? हेलो। हाँ मिश्रा जी, हाँ बताइए। ये लीजिए खाना, आपके घर से खाना आया, फटाफट खा लीजिए साहब के आने से पहले। रूही तुम चिंता मत करो, बस हौसला रखना और मुझ पर भरोसा करना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मम्मी जी तो ऐसे सैंडविच नहीं बनाती। ये सैंडविच अगर नाहर जी ने बनाया होगा। मैंने आपको कहा ना कि हमारी बहू हमारी माँ के साथ तीर्थ के लिए गई हूँ। जी हाँ, जैसे वो आएगी आपसे बात करवा देंगे। जी क्या क्या हुआ पापा, किसका फोन था? नार बेटा, रूही ने सुपर वुमेन का कंपटीशन जीता था ना, उसके लिए इंटरव्यू वाले बार बार फोन कर रहे थे।
अभी तो जैसे तैसे मैंने टाल दिया, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा। कुछ भी करके ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए कि गोविंद का परिवार की बहू जेल में है। तुम जल्दी से ना वकील से बात करो। मैंने बात की है पापा, केस की स्टडी करके हमें वापस फोन करेंगे। लेकिन सच कहूं तो पापा, मुझे बाहर वालों से ज्यादा रूही की फैमिली की टेंशन हो रही है। क्या दादू, आपको भी कल मम्मी का सपना आया? मुझे भी कल मम्मी का सपना आया था। बेटा तुम्हें काम करो, रूही को पूछो कि वो ठीक है या नहीं, कहीं उसे तो कोई ऐसा सपना नहीं आया। हाँ दादू, मैं पूछती हूँ। उसका फोन ही नहीं लग रहा है, क्या करूँ? एक बार जीजू को ट्राई करती हूँ। जी माथुर जी, देखिए मुझे मेरी पत्नी के लिए बेल चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरी पत्नी जेल के बाहर चाहिए। ओके, एक काम करते हैं, मैं आपको सीधे पुलिस स्टेशन के बाहर ही मिलता हूँ, ठीक है? हाँ जूही, बोलो। हाय जीजू, वो रूही का फोन नहीं लग रहा था तो मैंने इसलिए आपको फोन किया, वो ठीक है ना? जूही, वो रूही का फोन खराब हो गया एक्चुअली, वही रिपेयर करवाने गई है। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। थैंक गॉड, सब कुछ ठीक है। वो पता नहीं क्यों मुझे और दादू को बड़ी अजीब सी टेंशन हो रही थी रात से, पर अब आपने बोल दिया है तो सब ठीक ही होगा। अब मैं टेंशन फ्री होके कॉलेज जा सकती हूँ। थैंक यू जीजू, बाय बाय। इससे पहले कि रूही के परिवार को कुछ पता चले, मुझे रूही को जेल से बाहर निकालना ही होगा। नहार। हाँ अगले। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जा सकते हो? लेकिन अग्नि, मुझे अभी रूही के केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन जाना होगा, वकील से मिलना है। तुम टेंशन मत लो, मैं समर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें ले जाए। ओके ठीक है, रूही का लॉकअप से निकलना ज्यादा जरूरी है। मेरा क्या है, मैं समर के साथ चले जाऊंगी। थैंक्स। अधमरी हालत में मैं हूँ और नहर को रूही की चिंता है और घर में सबको उस रूही की चिंता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रूही को लॉकअप से बाहर नहीं आने दूंगी। मुझे मार दो। सब क्या हो रहा है? मैं तो अम्मी को बचा रही थी, मैंने उसे मार कैसे दिया? और पिछले कुछ दिनों से मैं घर वालों पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ, जबकि कल रात से मैं जेल में हूँ, तब से तो मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है। और अग्नि ने मुझे मिलने के लिए उस गोडाउन में क्यों बुलाया था? ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ? पर मुझे पूरा यकीन है कुछ तो ऐसी कड़ी है जिससे मैं जोड़ नहीं पा रही हूं। और अचानक हमारे झगड़े के बीच वही इंस्पेक्टर कैसे आ सकते हैं? वो गोडाउन तो एक सुनसान जगह पर था, कैसे हो सकता है? क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है?
जैसा आपने कहा था वैसा ही इसके साथ हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए, जितनी आसानी से ये जेल के अंदर आई है उतनी आसानी से ये जेल से बाहर नहीं जाएगी। थैंक यू इंस्पेक्टर, जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना अच्छा काम किया है आपने। वो तो करना ही था, आखिर मुझे भी तो इससे बदला लेना था। ये पुलिस रोही को ऐसे क्यों देख रही है? पता लगाना होगा। हमारी उस दिन की मुलाकात ऐसी रंग लाई कि इस रूही को उसकी औकात पता चल गई। मैंने इसे किसी से मिलने नहीं दिया। लेकिन कल आप इसको पूरे परिवार से मिलने दीजिए। क्यों? क्योंकि कल रूही की ऐसी बदनामी होगी कि रूही क्या पूरा परिवार जिंदगी भर याद रखेगा। खैर, इससे पहले किसी को शक हो मैं यहां से चलती हूं। ठीक। मैम, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं ना? नहर? मैम, are you okay? आपको लगी तो नहीं ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm really sorry, वो मैं थोड़ी जल्दी में था। कोई बात नहीं। Thanks. नाहर वकील के साथ आया है, कहीं ये रूही की बेल ना करवा दे। पर केस तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बेल होना आसान नहीं। जो भी है मुझे पता करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा था ना कि कागजात लेकर आऊं। ये लीजिए पेपर्स, सारे पेपर्स रेडी हैं। अब मुझे मेरी पत्नी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चेक कर लीजिए। नाहर जी, इंस्पेक्टर साहब थोड़ा जल्दी कर लीजिए प्लीज। कागज तो सही है लेकिन फिर भी आप अपनी पत्नी से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता मैं? क्योंकि आप बहुत गुस्से वाले हैं और अगर आपने अपनी पत्नी के दिमाग में कुछ ऊटपटांग चीज भर दी तो नहीं, आप नहीं मिल सकते। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे परिवार वालों को मिलने से नहीं रोक सकते। देखिए, रूही जी के बेल पेपर रेडी हो रहे हैं और कुछ देर में उन्हें बेल भी मिल जाएगी। लगता है नए नए वकील बने हो। आप इतना भी नहीं जानते सारे सबूत इनके खिलाफ है, इसलिए इनको जमानत नहीं मिल सकती। आप नहीं मिल सकते। इंस्पेक्टर से क्या बात कर रहे होंगे, कहीं वो गुस्से में अपना हवाला खो बैठे और वो इंस्पेक्टर मुझसे बदला लेने के चक्कर में नाहर जी को किसी छोटे केस में ना फंसा दे। सूर्या इंस्पेक्टर, आपके ये फालतू बहाने मुझे मेरी रूही से मिलने से नहीं रोक सकते। मैं अपनी पत्नी से मिलकर रहूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। पत्नी चिंगारी है तो पति आप, ठीक है? आप दोनों में से एक जना उनसे मिल सकता है, वो भी हवलदार की निगरानी में। चलिए। मातुश जी, क्या करना है? आप रूही जी से मिल लीजिए, तब तक मैं उनके बेल के पेपर रेडी कर दे रहा हूं। और हाँ, याद रखिएगा,
आप दोनों में जो भी बातें होगी उसे रिकॉर्ड कर लीजिए। मैंने इसे स्विच ऑन कर दिया है, आप इसे संभाल के अपने पास रखिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नाहर जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, मैं किसी को नहीं मार सकती। नाहर जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? बोलिए ना नाहर जी, बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? आपको मुझ पर विश्वास है ना? है ना?